नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ी इन्फो में। लेके आए हैं आप सभी के लिए नया वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में म्यूजिकल ऐसे पांच ऐसे संगीतकार जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड स्थापित किया है और हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, जिनके गानों को हिमाचल ही नहीं हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और बाहरी राज्यों में भी देखा व सुना जाता है। तो ये वो संगीतकार है जिनकी धुनों और जिनके संगीत के साथ में कलाकार काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आज बात करते हैं रामपुर बुशहर के पांच मशहूर संगीतकारों की। तो सबसे पहले नंबर पे जो मशहूर संगीतकार रामपुर बुशहर में स्थित हैं, उनका स्टूडियो एनजे म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगात खाना रामपुर में स्थित है। और आपको बता दें कि नवीन जोशी एनजे म्यूजिक के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एनजे म्यूजिक हिमाचल प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और काफ़ी सारे कलाकारों का सपना रहता है कि वो नवीन जोशी एनजे के संगीत से अपने गानों को तैयार करें। तो नवीन जोशी एनजे म्यूजिक के यूट्यूब पर भी दो चैनल हैं और दोस्तों आपको बता दें काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर एनजे म्यूजिक के यूट्यूब पर है, 2.5 लाख से अधिक एक चैनल पर और एक चैनल पर 1.5 लाख के करीब इनके अभी करंट टाइम में सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी सारे प्रसिद्ध कलाकार इनकी स्टूडियो से हो चुके हैं। यदि आप भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एनजे म्यूजिक से संपर्क कर सकते हैं, एनजे म्यूजिक में आप अपना गाना रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी लिस्ट में यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं ज्ञान म्यूजिक। तो दोस्तों ज्ञान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामपुर में एक डेकोलर स्थान रहता है, उस जगह पर स्थित है जो कि किन्नौरी, पहाड़ी, हिंदी, नेपाली, जौनसारी, भोजपुरी और वेस्टर्न गानों को बनाते हैं। काफ़ी सारे कलाकारों का सपना रहता है कि वो ज्ञान नेगी जी के संगीत से अपने म्यूजिक को गानों को तैयार करें। ज्ञान नेगी जी के म्यूजिक को काफ़ी पसंद किया जाता है और उत्तराखंड और हिमाचल के काफ़ी मशहूर कलाकार इनसे अपने गीतों की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आपको बता देते हैं कि ज्ञान नेगी जी के यूट्यूब पर 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और काफ़ी प्रसिद्ध ये संगीतकार है। तांत्रा बॉयज की सीरीज हो या पाल सिंह की नाटियाँ हो, पूरे हिमाचल प्रदेश में इन्हीं के संगीत के साथ काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। तो दोस्तों तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दो ऐसे युवा हैं जिन्होंने कि काफ़ी कम उम्र में हिमाचल ही नहीं भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के गानों को भी बनाया है। तो JKB म्यूजिक के नाम से इनका स्टूडियो है, JKB म्यूजिक रामपुर बुशहर में ये स्थित है। और आपको बता दें कि अंकित और आशीष की जोड़ी हिमाचली, उत्तराखंडी, नेपाली, लद्दाखी, लाहौली जैसे गानों में अपना संगीत देते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद लोर हिमाचल में भी इन्हें किया जाता है और रामपुर बुशहर में इनका स्टूडियो स्थित है। यदि आप भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों इनके यूट्यूब पर करंट टाइम में 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मात्र 42 ही इनके वीडियोज अभी यूट्यूब पर डाले हैं और 3.5 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। और दोस्तों इसी लिस्ट में यदि हम बात करें तो नंबर 4 पे हमारे पास जो म्यूजिशंस आते हैं वो है राकेश डोगरा। राकेश डोगरा जी भी रामपुर बुशहर में इनका स्टूडियो है और राकेश डोगरा जी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में हैं। और आपको बता दें RD म्यूजिक प्रोडक्शन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, 45,000 से अधिक इस पे अभी इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और डिम्पल ठाकुर जी हो या विकी राष्टा जी हो या फिर सुकेती नाटी किंग, पाल सिंह या बिरबल मुसाफिर जी हो, ये सभी राकेश डोगरा जी के संगीत से कार्य कर चुके हैं। और आपको बता दें काफ़ी अनेक कलाकार इनके संगीत से रूबरू हो चुके हैं और काफ़ी पसंद इनके संगीत को किया जाता है। तो RD म्यूजिक प्रोडक्शन ये इनका यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे लास्ट में हमारे पास पाँचवें नंबर पर आते हैं रामपुर बुशहर में काफ़ी समय से अपने संगीत की धुनों से सबको
दीवाना बनाने वाले अजय नेगी जी, एवी म्यूजिक प्रोडक्शन रचोली रामपुर में इनका स्टूडियो है। तो दोस्तों इनके यूट्यूब पर 10,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। इनका यूट्यूब पे ये अपना ही वीडियो ज़्यादातर डालते हैं, लेकिन जो इनके सॉन्ग्स रहते हैं वो बड़े लेवल पर भी रिलीज होते हैं। तो काफ़ी सारे कलाकार नामी इनसे संगीत ले चुके हैं और काफ़ी पसंद इन्हें हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और आपको बता दें कि लोअर हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा पसंद इन्हें भी किया जा रहा है। ईशांत भारद्वाज हो या राज जैरी हो या राजेश शुक्ला जी हो, काफ़ी सारे कलाकार इनसे जो है संगीत ले चुके हैं। तो आपको बता दें रामपुर शहर में इनका भी म्यूज़िक स्टूडियो है और काफ़ी सारे पसंद इन्हें कलाकारों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो मात्र हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है। तो यदि आप भी इन सभी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके यूट्यूब चैनल का आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप इन सभी संगीतकारों से संपर्क कर सकते हैं। इन सभी संगीतकारों का कॉन्टैक्ट नंबर आपको इनके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पहाड़ी इन्फो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।